आने वाले हैं अनबॉक्सिंग, जो कि यहाँ पे है गला जीट स्पिन मॉप, जो कि इस तरह से है पैकेजिंग। एंड जस्ट इसको खोलेंगे और इसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनबॉक्सिंग का, कि किस तरह से घर में नए घर के लिए नए सामान मंगाया है। सो हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ। एंड आज हम करने वाले हैं डेमो देने वाले हैं आप लोग के साथ, कि किस तरह से इसको यूज़ कर किया जाता है। सो आज हम बताने वाले हैं अपने वीडियो में। देखिए जस्ट इसका इस तरह से पैक किया हुआ है और ये दिया हुआ है इसके साथ सेंटेड यूज़ करने का। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहले मैंने खोला इसको और इसको यूज़ करने का तरीका बताएंगे। जस्ट इसमें सेंटेड या डिटॉल डाल के आप इसको साफ कर सकते हैं, इसमें डाल भर के जस्ट इसको ऐसे करके। और ये सफाई करने के लिए दिया हुआ है और इसके अंदर ये दो दिया हुआ है पोछा लगाने के लिए। और इसका इसमें सेट करना है, जस्ट इसको सेट करके भी बताते हैं। तो जस्ट इसको ये दिया हुआ है, इसमें कोई इस तरह इस साइड से नहीं इसको लगाना है, जस्ट इसको इस साइड से कस करना है, जो कि देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। और इस तरह से देख सकते हैं अंदर में जो थोड़ा कांटे टाइप से निकला हुआ है ना, उसके तरफ से डालना है। जस्ट इसमें ऐसे है और इसको ऐसे सेट कर देना है। जस्ट सेट हो गया, देख सकते हैं इसको ऐसे सेट कर दिए। और यहाँ पे कमलेशी करने के लिए दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। इसको जस्ट फाड़ के पोछा लगाने के लिए इस तरह से दिया है। और काफ़ी प्यारा भी है और वॉलेट काफ़ी बड़ा है, आप घर आराम से साफ कर सकते हैं। और देखिए कोई कपड़े का जरूरत नहीं पड़ेगा, काफ़ी स्पेस कवर कर लेगा। और ये है इसका दो दिया है, एक्स्ट्रा में देता है। तो ये गंदा होने के बाद इसको यूज़ करेंगे। और इसको सेट करने का तरीका बताते हैं। जस्ट इसी में ये आया था, तो इसको जस्ट ऐसे लगा देना है और यहाँ से देख सकते हैं जस्ट इसको ऐसे डाल देना है। और कितना अच्छे से सेट हो गया है। एंड ये जो दिया हुआ है इस तरह से भी, और इसको इसमें डाल देंगे और जस्ट इसको इस तरह से घुमा देंगे। सो सेट हो गया। आप चाहें तो इसको लेंथ को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, जस्ट इसको गिरा कर। तो यहाँ से ये वाले जो सिस टाइप का बटन बना हुआ है, इससे आप लॉक को छोटा भी करके कर सकते हैं, जस्ट इसको ऐसे करके। और यहाँ पे ब्रेक लगाना है। सो अब इसको छोड़िए, इतना ही रखना है तो इतना कर रखेंगे। और जस्ट इसको लेंथ बड़ा करना है, कि मतलब टेबल के अंदर ही पोछा लगाना हो या बड़ा करना हो, तो जस्ट इसको ऐसे कर देना है और यहाँ लॉक कर देना है। सो इस तरह से आप कहीं भी सफाई कर सकते हैं। और फाइनली ये सारा चीज़ हम कस के दिखाएंगे, किस तरह से इसको यूज़ करना है। साथ साथ इसको आप डेमो देते हैं, किस तरह से पानी में भर के और किस तरह से इसको क्लीन करके जस्ट इसमें सफाई के लिए दिया। सो आप एक बार डेमो दिखाते किस तरह से इसको पोछा लगाना है। तो चलिए मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। एंड आगे ये मैंने सेट करके दिखाया है, उसके बाद मैंने इसको ट्राई करने का मतलब पोछा लगाने का डेमो दिखाते हैं दोनों साथ साथ। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स। तो जस्ट इसमें ये स्टेम टाइप का दिया हुआ है ऐसे का, जस्ट इसको ऐसे निकालना है और इस तरह से। और कहीं भी आप यहाँ पे भी एक चीज़ दिया हुआ है, पानी गंदा चाहे कुछ भी पानी में चला गया, कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी भारी सामान नहीं हो, कहीं पोछा लगाने से चला जाता है, तो जस्ट इसको पानी जो भी फिल्टर करने के लिए साफ करके निकाल दो और जस्ट इसको ढक्कन लगा देना। इस टाइप से दिया हुआ है, सो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रेट में है। एंड पूछा घर सब खाने के लिए काफ़ी अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इस टाइप से आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो रूम में ला के आराम से इसको पानी सेव कर लेंगे। इस तरह से बाथरूम में ला के रख देंगे एंड पानी भरा हुआ तो जैसे इसमें जितना पोछा लगाना है उतना पानी डाल देंगे। एक बार भी तो पोछा लगाने के लिए रखता ही आदमी। और जैसे इसमें कोई भी डिटॉल वगैरह या जो भी आप घर पोसने में कॉइन वगैरह डालती हैं वो डाल देंगे या फेसनर वगैरह, और आराम से बाहर हॉल में ले जाएंगे। क्योंकि हॉल से क्या होता है कि आप कहीं भी घूम घूम के पोछा लगा सकते हो। पोछा लगाने वाला आ गया। सो ये है स्टैंड और इसको जस्ट इसमें ऐसे डालना है और इसको पिंच कर देना, मतलब पानी में धो देना है जितना पानी में डाल। देखिए इस टाइप से, और इसको स्पिंच करने के लिए जस्ट इसमें ऐसे डालेंगे
और यहाँ से जो है ना इसको जैसे इसको ढीला छोड़ेंगे तभी ये मतलब वो साफ हो सकेगा, नहीं तो ये ब्रेक काम नहीं करता। देखिए ऐसा नहीं काम कर रहा ना, जस्ट दब नहीं रहा है। और इसको जब ऐसे कर देंगे, इसको खोलेंगे तभी ये दबेगा। और देखिए इस तरह से स्पेस अच्छे से हो जाता है, और जितने भी गंदगी रहते हैं घर में वो सारे इस तरह से स्पेस होने के बाद उस पानी में चला जाता है। और जस्ट इसको निकालने के लिए साफ पानी देने के लिए यहाँ से जितने भी गंदगी रहते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं और ये साफ हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्पिंच कर लेंगे। और हम एक एग्जांपल देने के लिए बताएं कि कल कोई भी फर्श पे ना जैसे पीला कुछ भी गिर जाता है, खाना पीना खाने के बाद या कुछ भी गिर गया तो उसको तरीका किस तरह से देखिए, ये पूरे ऑफ ऑन कर लेता है। और देखिए बिल्कुल एक मिनट में साफ कर दूँ तो कहीं से कुछ नज़र नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल डस्टिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है एंड काफ़ी यूजफुल है। और पोछा लगाने में काफ़ी कम टाइम लगता है, जहाँ पे आप 10-15 मिनट पोछा लगाते हैं वहाँ 5 मिनट में आकर है। तो पहले हम अपना भोजन साफ कर लेते हैं तो बाद में तो सफाई अच्छे से हो जाएगा। ये हम भी अपने नए घर में नए पोछा लेकर आए हैं और जस्ट इसको जैसे सोफा के अंदर डालना है, आप इसको सोफा के अंदर डाल ही सकते हैं। जस्ट इसको देखिए ऐसे जस्ट साफ कर सकते हैं, कहीं भी अलमीरा वगैरह हो तो चेयर वगैरह में आराम से ऐसा साफ गंदगी आराम से मतलब ऑब्जॉर्ब हो गए हैं और सारे इसमें आ गए हैं जो कहीं से भी ये गंदगी को काट लेता है। तो फिर से इसमें धो देंगे इस तरह से आराम से और फिर से साफ कर लेंगे इसको, क्योंकि इसमें हम डिटॉल वगैरह भी डाल दिए। फिर जस्ट इसको फिर से स्पिंच कर लेना है इसी तरीके से। और इसका इस तरह से फिर से स्पिंच हो गए और देखिए बिल्कुल साफ हो गया। फिर ये देखिए फिर से साफ और फिर से आप दूसरे घर में पोछा लगा सकते हैं। जब पानी मतलब कि गंदा हो गया हो या साफ मतलब पानी चेंज करना है या गंदा या कुछ फंस जाता है या पानी डस्ट वगैरह आ जाता है या बाल फंस जाता है पोछा लगाने में, तो जस्ट यहाँ पे इसको दिया हुआ है, जस्ट इसको ऐसे निकालना है फिंगर से और देखिए पानी को किस तरह से निकल रहा है सारा गंदगी या पानी चेंज करना। बहुत सारा होता है ना कि एक पानी को बार बार पूरे रूम में नहीं पोछा करना है, चेंज करना है, तो जस्ट यहाँ से ये इस तरह से पानी निकल जाता है आराम से। आप इस तरह का कैप बना हुआ है, जस्ट इसको निकाल देना है और ये पानी बिल्कुल गिर गया एंड साफ हो गया और मेरा फाइनली पोछा लग भी गया। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपना रूम क्लीन कर चुके हैं एंड पहली बार मैं भी इसको ट्राई की थी और पहली बार अपने नए घर के लिए मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छा मेरे मायके में भी है इस तरह का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जहाँ 15 मिनट में काम कर सकते हैं वहाँ पे आप पोछा 5 मिनट 10 मिनट में लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम का भी बचत है साथ साथ आपको थकावट हरासमेंट नहीं होगा। और मात्र ये 1800 में समथिंग में 1500 में भी मिलता है, जस्ट आपके डिपेंड करता है आप किस टाइप से मंगाते हैं। मीशो वगैरह पर आप 1500 में भी ले सकते हैं, बट हमें ये 1800 में मंगाए हैं। और ये गला जेट स्पिन मॉप करके कंपनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम गला जेट करके है, गला जेट स्पिन मॉप है एंड काफ़ी अच्छा इसका मतलब हम रिव्यू बताया है। सो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली मेरे स्किन पे पसीना आ गया पोछा लगाते लगाते। सो मैं सोची इसके साथ अपना घर का सफाई भी कर लूँ, सो काफ़ी टाइम का भी बचत होता है। तो आई होप ये वाली आप लोग की स्पिन मॉप रिव्यू पसंद आया होगा। सो इसको पोछा लगाने का यही एक बहुत ही अच्छा तरीका है एंड साथ साथ आप जब भी इसको मतलब ज़्यादा घर गंदा हो तो आप झाड़ू लगा के जस्ट एक पोछा करें, नहीं तो अगर कहीं पे मतलब घर ज़्यादा गंदा ना हो तो डायरेक्ट पोछा भी लगा सकते हैं, झाड़ू की भी जरूरत नहीं है। या लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमने ये वाले ट्राई करके दिया देखा था मायके में कि बाल बहुत किसी का ना बाल बहुत बिखरता है, तो ये बाल को ऑब्जॉर्व नहीं करता है। इसका एक मतलब ये क्वालिटी है कि ये बाल को ऑब्जॉर्व नहीं, बाल को फैला देता है। तो बाल को जब भी पोछा अच्छा लगाए तो बाल फंसे तो निकाल लें और उसके बाद ही पोछा लगाए। तो इस तरह से आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मैं अमेजोन से 1800 में मंगाई थी और ये गाला जेट कम एशपॉन मॉप है,
इसका नाम एंड प्राइस। और आप लोग को चाहिए तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड साथ साथ प्राइस भी मेंशन कर देंगे, तो आप लोग चेकआउट वहां से कर सकते हैं। ये पोछा सबके घर में ज़रूरत है, यूजफुल सामान है, कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप घर में उसको रख सकते हैं, मतलब यूज़ करने का हर कोई को ये ज़रूरत पड़ता है और सब कुछ चाहता है कि टाइम का कम बचत हो। तो ये कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मतलब है, यूज़फुल है, सो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और फाइनली मैंने आज इसका रिव्यू दिया है, सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल हुआ एंड पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।